यहाँ पर इस साइड कुछ किसान भाई और भी खड़े हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, इनको आप जानते ही हो, लगातार गेहूँ की वैरायटियों के ऊपर काम कर रहे हैं और ये वैरायटियाँ इन्हीं की देखरेख में निकलती है यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर और किसान भाई भी हैं जिन्होंने 1270 लगाई थी पिछले साल, तो इनमें ये एक किसान साथी हमारे साथ में है। तो भाई साहब आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले अपना नाम पता बताइए। सोनू है जनाब। कहाँ से हो? गाँव दीवाल से जी। जिला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कैथला। कैथला हरियाणा से। हाँ जी हाँ जी। तो 1270 आपने पिछले साल लगाया था। हाँ जी। कितने एकड़ में लगाया? जी 7 एकड़ में। 7 एकड़ हाँ। में औसत पैदावार कितनी निकली? 70 की निकली है जी। 70 मन निकली। हाँ जी, हाँ जी। 70 मन आपकी औसत पैदावार निकली। बिजाई कब करी थी आपने? बिजाई जी 25 को करी थी, 10 में जी। 10 में की 25 को आपने बिजाई कर दी थी। नीचे खाद वगैरह कितनी डाली? कौन सी डाली? डाला था जी 60 किलो। 60 किलो डीएपी पर एकड़। हाँ जी हाँ जी। और पोटास जिंक वगैरह कोई? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं डाला। यूरिया डाला था जी 3 कट्टे। 3 कट्टे बाद में पानी के साथ उसमें आई रोकने वाली दवा भी डाली थी, लियोसिन। लियोसिन भी डाली। लियोसिन के कितने स्प्रे दिए आपने? एक ही डाला था जी। एक ही स्प्रे किया आपने। वैसे रिकमेंडेशन इसकी 2 स्प्रे की होती है डॉक्टर साहब? हाँ 2 स्प्रे की रिकमेंडेशन है, लेकिन इन्होंने खाद जो है 3 कट्टे ही डाले, ज्यादा नहीं डाले थे। हाँ बिल्कुल। तो जमीन किस टाइप की आपकी? भारी जमीन है, पानी लगता है नहर का? जैसे गाँव में बोलते हैं मगरे की जमीन है, ये नहर का पानी लगता है, अच्छी जमीन है। जमीन अच्छी आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरी वैरायटियां आप पिछले साल लगा रहे हो, उसके मुकाबले में पैदावार उतनी ही हुई या फिर ज्यादा हुई उससे? उससे तो ज्यादा हुई जी, वो रहती थी 60 के लगभग, 63, 62, 66, 59 से 59 पे भी आ जाती थी। जैसे 30, 86, 29, 67 ये वैरायटी लगाते थे। 187 की पैदावार इनसे अच्छी है, 1270 की 187 से भी अच्छी है। तो डॉक्टर साहब अगर इस वैरायटी की बात करें तो भारी जमीन और अच्छे पानी में ज्यादा कामयाब है क्या ये? बिल्कुल, ये जो WH 1270 जो किस्म हमने निकाली है हमारे कुलपति महोदय के मार्गदर्शन के अंदर, जिन जमींदारों के पास अच्छा खाद पानी है, जमीन उपजाऊ है, आगे की जो बिजाई कर सकते हैं उनके लिए हमने ये गेहूं की एक नई किस्म निकाली थी। पिछले 2 साल से इसका बीज कुछ सीमित मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में इस बार हम इसका बीज दे रहे हैं। इस किस्म की खासियत यह क्या है कि अच्छे खाद पानी वाले किसानों के लिए है ये, ज़्यादातर जिनकी ज़मीन उपजाऊ हो वो ही किसान इसको लगाएं। रेतीली भूमि वाले जिनकी उपजाऊ शक्ति कम है, पानी की जिनके पास उपलब्धता कम है, वो किसान 1270, 303, 327 और 187 किस्म है वो उनको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पानी की ये जो किस्में हमने निकाली है वो ज़्यादा हेवी फीडर मतलब ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं। ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं तो वो ज़्यादा पैदावार आपको देने के लिए उनको उर्वरकों की और देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आज जो किसान इस मेले के अंदर 16 सितंबर 2024 को जो किसान आए हैं, काफ़ी किसानों का फीडबैक अच्छा रहा है, बता रहे हैं किसान कि हमारे जो है सामान्य खाद के अंदर भी इसको 65-70 मन 72 मन तक की पैदावार ली है। और जिन किसान भाइयों ने जैसे हमने रिकमेंडेशन बताई कि आप इसके अंदर गोबर की खाद भी डालो, 1 कट्टा बैग की डीएपी की बजाय 1.5 कट्टा डीएपी डालो, यूरिया 2.5 की 3-3.5 तक डालो, और ऊपर से लियोसिन की जो है क्लोरमिक वाट प्रवर्धि नियंत्रक है उनकी स्प्रे करो, जिन्होंने इसको फॉलो किया उनकी 75-80 मन 85 मन थी कि एक दो किसान जो हमारे पास आए वो 95 मन 100 मन के आसपास की भी पैदावार बता रहे हैं। तो किसानों के फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारी वैरायटी जो है किसानों में कुछ बढ़वार कर रही है नहीं कर रही। इस तरह भाई ने कैथल से बताया कि हमारे पास तो 60 मन के आसपास सामान्य किस्में निकलती हैं, इस बार जो है पहली बार हमारे जो है 70 मन की है। एक किसान जो पहले अभी इससे पहले आपके इंटरव्यू दे के गया था, उसने बताया राजस्थान के अंदर 25 बीघों के अंदर सिरसा के पास जो हनुमानगढ़ के पास जो गाँव है वहाँ पे लगाया, तो उसके 80 मन के आसपास की पैदावार उसने बताई है। और जिन्होंने ये सारी क्रियाएं करके और अच्छी पैदावार ली है, तो मेरा जो है किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों के पास अच्छा खाद पानी है, छमे से बिजाई कर सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, तो उनके लिए 3-4 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? वो हैं WH 1270 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की, BBW 303, 327 IIWBR करनाल की है किस्म, और एक PBW 872 किस्म है वो लुधियाना की है। 3-4 किस्में ये बिल्कुल नई किस्में आई हैं, इनको अगेती बिजाई करके आपके 75-80-90 मन तक की पैदावार आप ले सकते हो। कुछ किसान भाई रूटीन के तरीके से पीला रतुए के लिए स्प्रे करते रहते हैं, कोई और चीज़ के लिए स्प्रे करते रहते हैं, तो मेरा इन किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमने इनके अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं
पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के जो बीमारी वाले हैं उनकी हम सहायता लेकर रस रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए हैं, इनके अंदर गुण ऐसे डाले हुए हैं कि इनके अंदर बीमारियां नहीं लगती, 5-7 साल तक कोई बीमारी नहीं लगेगी, हो सकता है उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाए। तो कोई भी किसान भाई फंजीसाइड ना छिड़के, इन किस्मों के ऊपर फंजीसाइड छिड़कने से और दवाइयां दूसरी डालने से अपना खर्चा बढ़ता है, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना। हमने ऐसी किस्में निकाली है 15-15 साल के अथक प्रयास के बाद कि 5-7 साल तक आपको इनके अंदर सिवाय खाद के और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आज जो आए हैं सारे किसान भाई, इनका मेले के अंदर स्वागत भी है, साथ में इनका फीडबैक भी हमें मिला है कि हमें जो है पैदावार इनसे अच्छी मिली है। अब एक और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों के लिए, पिछली बार जो है हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर बी आर कंबोजी के नेतृत्व में हमें आदेश मिला था कि कम खाद पानी के लिए गेहूँ की कोई किस्म निकालो, ताकि वो जमींदार जो रेतीली भूमि के अंदर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उनके लिए फिर हमने प्रयास किया, हमारी गेहूँ एवं जो अनुभाग की टीम है, सारे वैज्ञानिक उसके अंदर हैं, उनके सभी के अथक प्रयास से हमें एक सफलता मिली है नई गेहूँ की किस्म निकालने की, जो दो पानी के अंदर भी अच्छी पैदावार देती है। पानी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो हम पानी को हमने बचाना है, पानी बचा के और पैदावार अच्छी ले लें, जमीन की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे, तो मध्यम खाद पानी के लिए और कम पानी में अच्छी पैदावार के लिए हमने नई जो किस्म निकाली है वो WH1402 किस्म है। क्या खासियत है इस किस्म की? इस किस्म की बिजाई जो है आपने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह या 10 नवंबर तक आप इसी बिजाई कर सकते हो। और क्या करना है, बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी है। खाद बिजाई के समय क्या देनी है, 1 पौना बैग जो है DAP का, 10 किलो जिंक सल्फेट आपने नीचे डालनी है। 2 पानी लगाने हैं, कब लगाना है, पहला पानी 20-25 दिन पे देना है, दूसरा पानी 80-85 दिन पे देना है। 20-25 दिन पे पानी देते हो उस पर 1.25 बैग यूरिया देना है, ज़्यादा पानी यूरिया खाद नहीं देनी है। मतलब आपने 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 1.25 बैग यूरिया ऊपर से देना है। इतना देने के बाद 2 पानी 20-25 दिन पे बिजाई के और 80-85 दिन पे बालियां निकलते समय 2 पानी देने से ही इस किस्म की पैदावार 50 मन से लेके 68 मन तक की पैदावार है। तो जो रेतीली भूमि में, कम खाद पानी वाली भूमि में, जहाँ नमकीन पानी है और ज़्यादा नमकीन पानी लगा के ज़मीन को ख़राब करते हैं, उसकी बजाय 2 पानी के अंदर आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। एक खास बात और है इस किस्म की, यह किस्म जो है लाल बालियों वाली किस्म है, बालियों का रंग इसका मध्यम लाल है, ताकि अलग से भी पहचान आ जाती है। आप कहीं से सीड लेते हो और लेने के बाद आपने बोल दिया पता नहीं चलता दुकानदार कौन सा भी सीड दे दे, तो आप इसका बीज लोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपका बीज असली है नकली है। तो इसके अंदर चपाती का, रोटी बनाने के लिए प्रोटीन की मात्रा और बीमारियों के प्रति रोगग्रस्तता, सारे गुण इस सिस्टम के अंदर है। तो जहाँ रेतीली भूमि है वहाँ पर किसान ये लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और इसका बीज इस बार हमारे पास सीमित मात्रा में है, हमारा रामतन सिंह सीड फार्म है, थोड़ा बहुत बीज है, वो हो सकता है मेले के आसपास या मेले के बाद में दे, उसके बाद अगले साल इसका बीज भरपूर मात्रा में, कम खाद वाली जो ज़मीन है, पानी जिनकी उपलब्धता कम है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। और जो दूसरी किस्में जो आप बीज ले रहे हो उसके लिए हमारा रामतन सिंह बीज फार्म है, आपका फार्म निदेशालय है और आपका HSBC है, NSE है, IBCO CRBCO है, सारी संस्थाएं इनके पास 1270-303 जो का 946-393 और आपकी DBW 222 नंबर किस्म, HD3086, इन सब किस्मों का बीज, DBW 327 लेटेस्ट जो है वो भी है, PBW 826 पंजाब की है, इन सब का बीज जो है हमारी सारी सरकारी संस्थाओं की जो लगी हुई है दुकानें, वहाँ से आपको बीज मिल जाएगा, वहाँ से ले लें। इसके बाद भी मेले के बाद भी आपका जो है NSE से, IBCO CRBCO से, HSBC से इनका बीज मिल सकता है। बीज लेते समय ध्यान रखें, अपना बिल अवश्य लें, जिस दुकान से भी आप लें बीज लेके, और बिजाई करते समय आपने बीज दिया तो उसके ऊपर जो टैग है, उसका थैला है, उसका 150 ग्राम बीज भी अपने पास रख लें। अगर कोई दिक्कत आती है जर्मिनेशन में या कोई मिलावट के अंदर, तो वो चीज़ें आपकी बड़ी सहायता करेंगी। उससे आप हमारे जो है कृषि उपनिदेशक है आपके जिले का, वहाँ पे जाके उसकी आप शिकायत करके और उससे आप क्लेम भी कर सकते हो कि मैंने फला दुकानदार से ये बीज लिया था, यहाँ पे इसमें जर्मिनेशन कम हुआ, इसके अंदर ये दिक्कत आ गई। तो ये चीज़ें आपने सावधानी रखनी है। आप किसान मेले में आए और इतना भाग लिया और हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।